और ये है बैंगन के पकौड़े, इसमें पड़े केले के पकौड़े। तो आने दो मिनट यार, देखो सारे सुन गए। आलू, लौकी, गोभी, गोभी, अनियन, प्याज और ये है मिक्स। जी फिर से दिखाओ, सही नहीं आज जुग जुग आ गया। ये है मिक्स पकौड़े के लिए कटिंग, अब इसमें बेसन मिलाना है। बस बस ये देखो दही बड़ा और ये छोटा बड़ा, और ये डाल रही हैं प्याज का पकौड़ा। वाह देखिए कैसे तेल के अंदर कूद रही है प्याज, क्योंकि आज वो भी समझ रही है कि हमको तेल में फ्राई किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं कैसी एक दूसरे के साथ उछलती हुई, आपस में टकराती हुई प्याज और उस पे से तेल की बूंदें कितनी शानदार तरंगों के साथ उछल कूद कर रही हैं। सब देखिए ये तेल की बूंदें दशहरा मना रही हैं, आपस में ही खुशियां मना रही हैं कि उनके सामने प्याज का पकौड़ा, आलू का पकौड़ा और गोभी का पकौड़ा, ऐसी ऐसी चीज़ें तेलों के अंदर डाली जा रही हैं और उछल उछल के अपनी खुशी को व्यक्त कर रही हैं। और इधर देखिए, इधर अकेले कढ़ाई में केला सोया हुआ है, केला अकेले ही आनंद दे रहा है कढ़ाई के अंदर, इरिटेट कर ले खड़ा हो गए। और इधर देखिए ये गोल गोल बने हुए हैं जिसको कहते हैं का दही में बड़े, अभी ये फुलौड़ा है दही में बड़े, दही में पड़े नहीं है अभी, जबकि ये दही में बड़े पड़े नहीं है, इसके लिए अभी ये बाहर पड़े हैं। और अब ये देखिए केले का चिप्स बाहर आते हुए दोनों, एक बूंद तेलवा डाल दे ना खुल रहा, कमेंट्री निकल जाए आप भी। और देख सकते हैं आप, देखिए देखिए कैसे प्लेट में आके इतरा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि हमें ये दुकान खोल ले बनी एकदम। देखिए प्लेट में बाहर आके कैसे इतरा रहे हैं केले, आज पहली बार बेसन के साथ लिपटे हैं सब नहा धो के। Let me do the video.